आज बनेगी चिकन आधी नहीं पूरी। ये देखिए, तो मैंने लिया है यहाँ पे 1 किलो 200 ग्राम के जितना एक पूरा चिकन। इससे बनेगी मसालेदार तीखी सॉफ्ट जूसी चिकन की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले चिकन को अच्छे से धो के उसमें चीरा लगा के लेना होगा। तो यहाँ पे मैं एक पेस्ट तैयार कर रही हूँ, उसके लिए 5 से 6 हरी मिर्च और 1 मुट्ठी हरा धनिया। इसे थोड़ा सा पानी डाल के एक स्मूथ पेस्ट बना के लेंगे। ये देखिए, ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इसे मैं रख देती हूँ साइड में और चले आते हैं चिकन को थोड़ी देर मैरिनेशन में डालना है तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए। चिकन को मैं 2 बार मैरिनेट करने वाली हूँ। पहले तो थोड़ा सा नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के और ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस डाल के इसे 15 मिनट के लिए मैरिनेशन पे छोड़ दीजिए। इसे अभी मैं छोड़ दूंगी 15 मिनट के लिए और तब तक और एक मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया है हांकर्ड। ये नॉर्मल सी दही को एक छन्नी में डाल के आधे घंटे के लिए छोड़ दी थी, तो उसका जो एक्सेस पानी है वो निकल गया। 3 टेबलस्पून हांकर्ड, 1.5 टेबलस्पून के जितना हरा धनिया का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है 2 टेबलस्पून जितना, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, तीखी वाली लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया और जीरा पाउडर 1 टीस्पून करके, और ये डाला अजवाइन। ऑलरेडी एक बार नमक डाला हुआ है तो इसलिए नमक थोड़ी मात्रा में डाल के और फिर डाल दिया 2 टेबलस्पून नॉर्मल ऑयल। तो नॉर्मल ऑयल डाल दिया, और अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपको कलर पसंद है तो थोड़ा सा फूड कलर भी, लाल रंग का फूड कलर डाल सकते हैं, और नहीं तो ये स्किप भी कर सकते हैं। सारा जो मसाला है चिकन के ऊपर ऐसे कोटिंग करके डालना है, तो इससे क्या होगा, मसाला अगर थोड़ा ज़्यादा रहता है ना तो ऊपर का लेयर अगर हल्का सा जल भी जाता है तो चिकन हार्ड नहीं होता, चिकन सॉफ्ट बना रहता है, तो अंदर से चिकन मॉइस्ट रहता है। तो इसके लिए मसाला का लेयर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो मैंने मसाले का लेयर थोड़ा सा ज़्यादा दिया है और इसे अभी छोड़ दूँगी 1 घंटे के लिए। अभी 1 घंटा बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये चिकन को मेरे पास केक का जो टब रहता है जिसमें केक बेकिंग होता है वो वाला था, तो उसके अंदर ही मैं ये इस चिकन को अभी डाल के माइक्रोवेवन करने वाली हूँ। तो क्या किया मैंने, 250 डिग्री टेम्परेचर में आधे घंटे के लिए इसे सेट कर दिया। पहले 15 मिनट किया और चेक करके लिया मैंने, उसके बाद फिर से और एक 15 मिनट डाला मैंने 250 डिग्री सेल्सियस में। दोनों साइड चिकन का पक जाए इसके लिए भी आपको आधे घंटे के बाद चिकन को पलट देना है, और पलटने के बाद मैंने उसे 200 डिग्री टेम्परेचर में 20 मिनट के लिए पकाया है। देखिए एकदम पक्के और बनके तैयार हो गया है। कैसा लग रहा है देख के? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक थम्स अप, और अगर आपको नापसंद आई हो तो एक थम्स डाउन कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट में ये भी बताइए आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।